हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है, रीजनिंग के ये क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आपने क्या मिसिंग नंबर है वो आपने ढूंढना है। जैसे आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया जा रहा है, 2, 5, 4, आप ये सीक्वेंस देख सकते हैं, 100, 120। तो यहाँ पे क्या आएगा मिसिंग में, ये आपका आंसर है। और आंसर आपको ढूंढ के फ्रेंड्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और साथ ही साथ जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के और उसका आंसर क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आप लोगों को बताया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर आप लोग इसका देख लीजिए, इसका आंसर जो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये आपको ढूंढना है। आपको सीक्वेंस दिया गया है, आप इस सीक्वेंस में चलें, इस सीक्वेंस में चलें, इस सीक्वेंस में चलें, या इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में, आप किसी भी सीक्वेंस में चल के आपने मुझे जल्दी से जल्दी विद इन टाइम लिमिट आपने मुझे, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही अवेलेबल होता है, उसी हिसाब से आप लोगों ने मुझे जो है इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख के मुझे आगे उसका आंसर जो है वो कमेंट करना है, 9 है, 7 या 5 है, या फिर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जैसे 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 7। तो यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं, इस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 डाल के 6 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। तो सो कमेंट फास्ट फ्रेंड्स। तो तब के लिए आप लोग को वीडियो को पॉज करके देखिए। तो ओके, गुड बाय। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से मैं एक टास्क लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही।